गुना जिले के कैंटर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। देर रात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से कतराते रहे। पीड़ित बच्ची के परिजनों के अनुसार बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डांग देहरी गांव में रहते हैं। बच्ची की उम्र 9 से 10 साल के आसपास है। गांव के ही एक लड़के ने बच्ची के साथ बहला फुसलाकर गांव के पास नदी किनारे ले गया और बलात्कार किया। इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 376 अन्य धाराओं में कायमी की गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को पकड़ने टीम रवाना कर दी गई है। आरोपी फरार है। गुना जिले के लिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक 9 साल की बच्ची के साथ नदी किनारे आरोपी ने बलात्कार किया और 5 घंटे तक पुलिस घूमती रही। फरियादी पिता को लेकर घटनास्थल पर पुलिस घूमती रही। इस मामले में देखा जाए तो पुलिस की कार्यवाही में लापरवाही नजर आ रही है। एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बजरंगगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मामला कैंट और बजरंगगढ़ सीमा में अटका रहा। इस तरह अगर सीमाओं को लेकर मामला अटका रहेगा तो अपराधियों की धरपकड़ कैसे होगी, ये सवाल है। थाना कैंट में एक बालिका के साथ शोषण संबंधित शिकायत मिली थी, जिस पर से थाना कैंट पर अपराध तत्काल पंजीबद्ध किया गया 376 और अन्य धाराओं में, और बालिका का मेडिकल और अन्य औपचारिकताएँ कराने के बाद आरोपियों की पतारसी के लिए टीमें रवाना की गई है। आरोपियों की पतारसी अभी की जा रही है और जैसे ही मिलता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी।